अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। हमने फोर व्हीलर के बजाय रिक्शा मंगाया, बजट कम है लेकिन क्या करें, घूमना भी ज़रूरी है खुद सीरो फिलहाल के तहत। तो हम इसलिए निकल गए रिक्शे पर सवार होकर। रास्ते में पहाड़, खाई और नदी सब देखने को मिला, बहुत ही इंजॉय किया। खाड़ी हो खाड़ी। और रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे नारियल के दरख्त और नीचे खाई। और ताजुब तो उस वक्त हो रहा था कि पहाड़ के ऊपर आम के दरख्त थे और उसमें भी इतने सारे फल थे कि बहुत ताजुब हुआ। और ताजुब के साथ साथ अल्लाह ताला की कुदरत कामला का मुशाहिदा हुआ। हम तो बिहार से दूर थे लेकिन बिहार का रास्ता भी हमें नज़र आ गया। जैसे बिहार में हमारे MLA MPs और हमारे मुखिया मेंबर लोग पैसे को खा जाते हैं, रोड नहीं बनाते, वैसा रास्ता भी आपने देखा। फाइनली हम बीच पे पहुँचे और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिससे मालूम चला कि यहाँ काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। हम भी उतरे और हम भी उतरे अपनी गाड़ी से फटाफट और बीच के किनारे पे पहुँचे और कपड़ा उपड़ा उतारे, एक दो फ़ोटो लिए, फटाफट पहुँचे नीचे पानी में। लेकिन फर्स्ट टाइम था स्विमिंग का, समय समंदर के अंदर में, ऐसे बीच पर हमारा स्विमिंग का फर्स्ट टाइम था, इसलिए कोई तजर्बा नहीं था। तो जिसकी वजह से हम गए अंदर स्विमिंग करना चाहा तो पानी ने हमें खूब उठा उठा के पटका, कई थपेड़े मारे, लेकिन मज़ा आया, हमने फिर भी नहीं छोड़ा। तकरीबन एक घंटा तक हम नहाते रहे, खूब इंजॉय किए और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखने को मिला और अब देख सकते हैं। और हम इसी तरीके से नहाते रहे और यहाँ पे तो कुछ और ही मज़ा आ रहा था, अलग ही मज़ा आ रहा था। और ये घोड़ा वाला बेचारा यहाँ के इंतज़ार में था, अल्लाह ताला इसके रिस्क में वसत दें। और हमने जब नहाया हो गया तो हम उसके अलावा अपने फेस का भी, अपने थप्पड़ का भी कुछ अपने कैमरे में कैद कर ले, उसको भी कैद कर ले ताकि यादगार रहे। और यहाँ से हमने देखा कुछ अलग ही सीन देखने को मिला कि पैराशूट के लोग के ज़रिए एक बंदा फ्लाइंग कर रहा था और लैंडिंग कर रहा था, बहुत दूर था लेकिन मोबाइल के ज़रिए जूम करके उसको कैद करने की कोशिश की। अब देखिए अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और कई एंगल से हमने उसको कैद किया है ना। और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, औरतें, बच्चे, बूढ़ी सब थी। तो हमने सबको अपनी वीडियो में रखा है जो कुछ पर्दे के अंदर थे, लेकिन आगे देखेंगे आप कि जो बहुत ज़्यादा बेपर्दगी के साथ है तो उसको हमने स्केप कर दिया है ताकि हम बेपर्दगी को न देख सकें। तो गुनाहों से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। देखने बहुत दूर है लेकिन ये हमारे कैमरे का भी कमाल है कि उसको जब जूम करते हैं तो हम पास में आए। वीडियो के इस हिस्से में बहुत बेपर्दगी थी जिसकी वजह से इसको हमें स्केप करना पड़ा। और देखिए बच्चे लोग अपना कमाल दिखा रहे थे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जहाँ भी पहुँच जाए वो अपनी कारगिरी से कभी पीछे नहीं हटते। और ओ भाई अब यहाँ पे आए हम रेत पे चलने के लिए, क्या ही सीन था, पर दुखा दिया। और फिर हम बिलाखिर कहीं भी आदमी जाता है तो आने के लिए बस यहाँ से हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम घर के लिए रिटर्न होने लगे। लंबे लंबे दरख्त जो तनावर बहुत अच्छे दिख रहे थे, मैंने उसको भी लिया ताकि आप भी देख सकें। शाम ज़्यादा हो रहा था इसलिए हम जल्दी से घर लौट गए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।